आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट 2 है। उसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली किनफॉक, नॉर्म्स ऑफ फैमिली एंड किनशिप्स। इस टॉपिक के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें किस तरह से फैमिली का स्ट्रक्चर था, कौन कौन से इसमें फैमिली आइडेंटिफाई हुई थी, किस तरह से फैमिली का गोत्र था, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑल द फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिशियस, इसमें क्या था, ऑल द फैमिलीज नॉट, इसमें किसी भी तरीके का फैमिली आइडेंटिशियस नहीं था। बहुत अलग अलग तरीके से फैमिली फैमिली मिलती थी, रिलेशनशिप विथ ईच अदर एंड द काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड दैट दे शेयर। वेरी ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज, लाइव वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल्स। फैमिलीज आर जनरली लार्ज पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क ऑफ पीपल नोन एज द रिलेटिव ऑफ किंग फॉक। उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव ऑफ किंग फॉक। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली केयर के अंदर। They are defined in many ways, such as in some activities cousins are regarded as relatives and in other activities they are not. In the case of early societies, it is easy for historians to retrieve information about the families of allied class. अब उसमें क्या था कि अलग अलग classes divided हुई थी, historian ने भी अलग अलग तरीके से इसको classes में divided करके रखा था। On the other hand, it is very difficult to reconstruct these families' relationship of ordinary people. Another part factor is the attitude towards the family and kinship. It is also to investigate and analyze by historians. These factors are important that they give insight into people's thinking. अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है रूल्स ऑफ मैरिज, रूल्स ऑफ मैरिज। अब इस रूल्स ऑफ मैरिज में क्या था, रूल्स ऑफ मैरिज में ये था कि धर्म सूत्र रिकॉग्नाइज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। धर्म सूत्र में क्या था, 8 तरीके की मैरिज थी, लेकिन 4 तरीके की मैरिज को ही इंपॉर्टेंट दिया गया था। द रिमेनिंग मैरिजेस वेयर कंडेम्ड बिकॉज दे डू नॉट फॉलो ब्राह्मिन्स नॉर्म्स। वुमेन कुड नॉट गेट एनी शेयर्स इन द पैरिटल प्रॉपर्टी, वुमेन को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। एक्सोगैमी वॉज कंसिडर डिसायरेबल, कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ डॉटर इन द मैरिज वॉज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। ये इसको फादर की ड्यूटी मान लिया। एक्सोगैमी ये मैरिज आउटसाइड है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है टाइप्स ऑफ मैरिज, रूल्स ऑफ मैरिज। जो हमने अभी हमने पढ़ा क्या था कि धर्म सूत्र के हिसाब से 8 तरीके की मैरिज बताई गई है, उसमें 4 तरीके की मैरिज को सही बताया गया, बाकी 4 तरीके की मैरिज को गलत बताया गया। वुमेन को इसमें पैरेंटियल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, पैरेंटियल प्रॉपर्टी मतलब पिता का हिस्सा नहीं मिलने वाला। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज की। इसमें सबसे पहला, इसमें वैसे बेसिकली तो 4 तरीके की मैरिज आती है, एक तो एंडोगैमी, एक एक्सोगैमी, एक पॉलीगैमी और एक पॉलिएंड्री। एक्सोगैमी एंडोगैमी मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, यूनिट मैरिज इनसाइड ओवन ग्रुप के अंदर वो मैरिज करता है। एक्सोगैमी मतलब होता है कि आउटसाइड वंस इज ओवन ग्रुप, दूसरे ग्रुप में जाके मैरिज करता है। पॉलीगैमी मतलब होता है कि एक आदमी की बहुत सारी पत्नियां। पॉलिएंड्री मतलब होता है कि एक औरत के बहुत सारे पति। ये इस तरीके की 4 मैरिज इसमें बताया हुआ है। धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र मतलब होता है कुछ ऐसे सूत्र जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए, ये कुछ ऐसे कोड्स होते हैं, और ये जो सूत्र होते हैं वो शास्त्रों में लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं धर्मशास्त्र। मतलब दीज आर कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर मीन्ट टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल। दे आर रिटन इन संस्कृत विथ इन द इमरजेंस ऑफ टाउन पीपल फ्रॉम नियर एंड फॉर मीट टू बाय एंड सेल देयर प्रोड्यूस, शेयर देयर आइडियाज इन द अर्बन सोशल एनवायरमेंट। This might have lead to the questioning of earlier beliefs and practices. It was to meet this challenge that Dharma Sutras and Dharma Shastra were compiled. Next हमारा जो टॉपिक आ रहा है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो है फीचर्स ऑफ गोत्र। फीचर्स ऑफ गोत्र, गोत्र के क्या क्या फीचर्स थे। गोत्र मतलब होता है जो हमारी गोत्र होती है बेसिकली, और बेसिकली ये जो फीचर्स है बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें क्या था कि पिता की गोत्र को लिया जाता था। मतलब अगर लड़की अगर किसी के घर पे शादी करके जा रही है तो अपने हस्बैंड की गोत्र को अपनी गोत्र लेगा। साथ में इसने ये भी चैलेंज किया कि कुछ जगहों पर ऐसी चीज़ें मिली है जैसे साउथ इंडिया के केस में, जिसमें लेडीज़ के नाम पे गोत्र रखा गया। ठीक है, गोत्र रिफर्स टू द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल on the name of a Vedic seer of their forefathers so that you establish kinship between them. The system of gotra had signifies to the woman. Women were expected to take up the gotra of her husband upon marriage and give up their further gotras. Member of some gotra could not marry, same gotra mein marry nahi hoti thi. When he examines the names of the women married of the satvana rulers mein kya tha, we find them or many of them had names derived from their father gotras such as Gautama and Vasishta.
They retain these names instead of adopting names derived from the husband gotra as instructed by the Brahmical rulers. और उसका कुछ एग्जाम्पल सातवाना के अंदर मिला है, उसका नाम है गौतमीपुत्र. क्या नाम था? गौतमीपुत्र. इन फैक्ट इज एक्सेम्प्लेट एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस दैट ऑफ एंडोगामी और मैरिज विद इन द किनशिप्स विच हैज प्रोवाइडेड अगेंस्ट सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया. इंस्क्रिप्शंस एविडेंस रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ गोत्र अमंग सातवांस. अब इसमें यह बता रहा है कि किस तरह से लेडीज की भी गोत्र थी. वेयर मदर्स इंपोर्टेंट, माताओं को इंपोर्टेंट दी गई. सातवाना रूलर्स वेयर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रिमोनीज विच सजेस्ट दैट मदर्स वर गिवन इंपोर्टेंट्स बट देयर सक्सेशंस टू द थ्रोन वॉज जनरली पैटर्नल. सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑफ सातवाना रूलर्स मैंशन द नेम ऑफ देयर मदर्स रेदर दैन देयर फादर्स. इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया, गौतमी पुत्र सत्कर्णी जो गौतमी का पुत्र था. अब नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. मतलब ये है कि कास्ट रिफर्स टू ए सेट ऑफ इराकी, एक सेट ऑफ इराकी जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अंदर ब्राह्मणों ने बनाया और वो अलग अलग काम के हिसाब से बनाया. जैसे ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वेयर प्लेस्ड देमसेल्फ ऑन द टॉप एंड सूत्रस एक्ट ऑफ सूत्रस एक्ट ऑफ द ब्राह्मण एक्ट ऑफ द on the top sudras at the bottom hai. The brahmanas claim that this order was divinely ordinate. Second kya hai, next topic kya hai, the right occupation has laid down in dharmasutra and dharmashastra. isme kya tha ki basically jo work karte hain usi ke hisab se, jaise brahman was supposed to study and teach the Vedas, perform sacrifice and get sacrifice performed, give and receive gifts. Kshatriya were named to engage. Kshatriya kya tha? Engage in warfare mein, protest people mein and administrative justice mein, study the Vedas and get sacrifice performed and make gifts. Vaishya kya karte the? Expected to give gifts and get sacrifice performed and study Vedas in addition to engaging agriculture, pastoralism and trade. ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये है राइट ऑक्यूपेशन हैज लेड डाउन इन धर्म सूत्रस एंड धर्म शास्त्र, के बारे में पढ़ा. ठीक है, अब उसकी स्ट्रेटजी क्या थी. स्ट्रेटजी डेवलप बाय द ब्राह्मण्स टू एनफोर्स द वर्ण सिस्टम के हिसाब से ब्राह्मणों ने कौन सी स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश की थी. ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है. तो उसके हिसाब से द ब्राह्मण्स डेवलप थ्री स्ट्रेटजीज टू एनफोर्स द वर्ण सिस्टम. फर्स्ट, ब्राह्मण एसर्ट्स दैट द वर्ण ऑर्डर वाज ऑफ डिफाइंड ऑरिजिन. Secondly, Brahman advised the king to ensure that one system was followed within their kingdoms. Uske samrajya mein hona chahiye. Thirdly, Brahmans attempt to pursue that people their status were determined by birth. Janam ke hisab se hona chahiye. Ye inhone strategies li thi. Indian kings of नॉन क्षत्रिय ऑरिजिन्स, इसमें कई ऐसे हैं जो नॉन क्षत्रिय भी हैं जिन्होंने न क्षत्रिय रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो एक राजा की तरह होते हैं. अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस ओनली क्षत्रिय आर सपोज टू बी किंग बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट एनी पर्सन हु इज एबल टू मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज एंड नीड नॉट टू डिपेंड ऑन थ्योरी ऑफ बर्थ. फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ मौर्यस. लेटर बुद्धिस्ट टेस्ट सजेस्ट दैट देवर क्षत्रियस वाइल द ब्राह्मणिकल टेस्ट डिस्क्राइब दैम एज अ रूलर्स ऑफ लॉ ऑरिजिन. द इमीडिएट सक्सेस ऑफ मौर्यस वॉज सुगंस एंड कानवास ओवर ब्राह्मण्स एंड द सातवा किंग गौतमीपुत्र सत्कर्णी क्लेम टू बी द ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉय ऑफ क्षत्रियस प्राइड. ही इज ऑल्सो क्लेम टू बी एंश्योर दैट देर वॉज नो इंटर मैरिज अमंग्स द मेंबर्स ऑफ फोर वर्णस बट ही हिमसेल्फ एंटर्ड इन टू मैरिज अलायंस विद इन द किंग ऑफ रुद्रद्रमण शाखा रूलर. इस तरह से ये साबित होता है कि किस तरह से इन्होंने ब्राह्मण नहीं रहते हुए क्षत्रिय नहीं होते हुए भी ब्राह्मणों जैसे क्षत्रियों जैसे काम किए. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेलचास है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.